हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना, ट्रेनर ऑफ टेकमेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, एमएस एक्सेल के आज के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला टैब में डिफाइंड नेम दिया हुआ है, इसका यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या यूज़ होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे एक डेटा मेंटेन ऑलरेडी करके रखा है, यहाँ फाइल ओपन की हमने यहाँ पे, और हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट का हमने एक डेटा यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला टैब पे जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा डिफाइंड नेम दिया है यहाँ पे। ओके, डिफाइंड नेम में हमारा कई ऑप्शन है, हमारा नेम मैनेजर है, डिफाइंड नेम है, यूज़ फॉर्मूला है, क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन है। अब देखिए इसमें जो लास्ट ऑप्शन दिया है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ से तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन ले लेता है। आपको टॉप पे क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यू इन द, जो आप डिफाइन यहाँ पे नेम करोगे वो क्रिएट वैल्यू कहाँ पे आपको करनी, टॉप रो पे, लेफ्ट कॉलम में, बॉटम करना है या लेफ्ट कॉलम को करना है, तो ये ऑटोमेटिक ले लेता है, इसको कोई डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहला हमारा यहाँ पर नेम मैनेजर है, उसके बाद डिफाइन नेम है। अब मान लीजिए आपने, जैसे यहाँ पे अभी हमें क्वांटिटी का मैक्सिमम निकालना है, एवरेज निकालना है, मिनिमम निकालना है, सम करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, हमें सम करना है तो यहाँ पे सम लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, देन इसका सिलेक्शन लेंगे, ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देंगे। ओके, सेम हमें रेट का मान लीजिए हमें यहाँ पर एवरेज निकालना है या मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, मान लीजिए हमें यहाँ पर मैक्स निकालना है यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, मैक्स टाइप करेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, और देखिए यहाँ पे हम इसको सिलेक्शन लेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। बट हम चाहते हैं यहाँ पे एक हम शॉर्टकट डिफाइन नेम कर दें, उसी फॉर्मूला को हम यूज़ करें तो वो शॉर्टकट हमारा यहाँ पे यूज़ होता रहे, ठीक है। जिसका भी हमें, मान लीजिए हमें क्वांटिटी का हमें मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, सम करना है, एवरेज निकालना है, जो भी आप करना चाहते हैं, सो काउंट करना है, तो आप क्या करेंगे, क्वांटिटी को हम एक डिफाइन नेम कर देंगे और इसी को फॉर्मूला, एज अ फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखिए उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं यहाँ पे और डिफाइन नेम पे जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए जिसका भी आपको नाम नेम डिफाइन करना, मान लीजिए हमें रेट का करना है तो हम रेट को यहाँ से टॉप से हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें नेम डिफाइन करना है, रेट फ्रॉम सिलेक्शन कहाँ से करना है, हमें यहाँ से टॉप यहाँ से कॉलम से करना है हमें, यहाँ पे इस पर क्लिक कर हम इसको सिलेक्शन ले लेंगे, उसके बाद जाएंगे यहाँ पे डिफाइन नेम में, ठीक। ओके, यहाँ पे डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे तो देखिए न्यू नेम का एक यहाँ पे हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आया है, और देखिए यहाँ पे जो लिखा है रेट, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक उसने टॉप कॉलम का इसमें सिलेक्शन ले लिया है, देखिए यहाँ पे। ओके, टॉप सेल का ले लिया है, हमें यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाने कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसने ऑलरेडी टॉप, जो टॉप हमारा ये दिया हुआ सेल या कॉलम दिया है उसको ऑलरेडी इसने ले लिया है। अब ये पूछा स्कोप, ये कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं आप, यहाँ पे देखिए दिया हुआ कहीं है, वर्कबुक में करना चाहते हैं, शीट वन में करना चाहते हैं, शीट टू में हो या शीट थ्री में, जहाँ पे भी इसको पूरा यहाँ पे चाहते हैं इसी सीट में हो तो आप शीट वन कर देंगे, अगर आप चाहते हैं सेकेंड सीट पे भी ये अप्लाई हो तो सेकेंड सीट का सिलेक्शन ले लेंगे, या फिर आप चाहते थर्ड सीट पर हो तो थर्ड सीट का आप सिलेक्शन ले लेंगे। ओके, अब हम चाहते हैं ये पूरे होल वर्कबुक में काम वर्क करें, हमारे यहाँ पर स्कोप जो हमने ले रहे हैं वो होल वर्कबुक का हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कबुक पे हम क्लिक कर देंगे। अब पूछा यहाँ पे कमेंट, ओके कमेंट अगर आप कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे तो यहाँ कर देंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं, हमने आप यहाँ पे कमेंट टाइप कर देंगे। उसके बाद रिफर्स टू, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमने सिलेक्शन यहाँ पे ले रखा है इसका रेट का। ओके, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे ओके कर देंगे। अब देखिए इसका हमारा नेम डिफाइन हो गया है, अब हम चाहते हैं यहाँ पे हमें कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना है, लाइक हमें इसको सम करना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, आप जो भी फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया है नीचे यूज़ इन फॉर्मूला दिया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए पेस्ट नेम यहाँ पे शो हो रहा है, फर्स्ट हमारा रेट जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया था, डिफाइन नेम किया था, ये हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सम करना है तो क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, सम लिखेंगे यहाँ पे टाइप करेंगे, देन ब्रैकेट ऑन करेंगे, और आप यहाँ पे यूज़ फॉर्मूला पे जाएंगे, रेट का सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करेंगे, देन एंटर करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो गया है। हमें क्या, हमने सिर्फ यहाँ पे जो नेम डिफाइन किया था उसका सिलेक्शन लिया, बाकी फॉर्मूला हमारा यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ हो गया है। ओके, अगर हम ऐसे करते तो हमें यहाँ पे पूरा सिलेक्शन यहाँ पे लेना पड़ता है। अब मान लीजिए इसका हमें मैक्सिमम निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, मैक्स यहाँ पे मैक्स टाइप करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम,
ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पे यूज फॉर्मूला में जाएंगे। देखिए यहाँ पे रेट लेंगे सिलेक्शन, देन ब्रैकेट ऑफ एंटर कर देंगे। आपको सिंपल बस इतना ही करना है। ओके, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे क्वांटिटी या अमाउंट का भी नेम डिफाइन हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे अमाउंट का सिलेक्शन लेंगे, जाएंगे डिफाइन नेम पे और देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑलरेडी यहाँ पे इसने सिलेक्शन ले लिया है यहाँ पे। ओके, कमेंट अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, आप यहाँ पे कमेंट टाइप कर सकते हैं। वर्कबुक हमने यहाँ पे कुछ कुछ भी लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। रिवर्स में आपने सिलेक्शन ले लिया है, ओके करेंगे। अब हमें यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला यूज़ करना है, मान लीजिए हमें यहाँ पे एवरेज यूज़ करना है। ओके, टाइप करेंगे यहाँ फॉर्मूला, चाहेंगे यहाँ पे यूज़ फॉर्मूला में यहाँ पे हम अमाउंट का सिलेक्शन लेंगे, देन ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो गया है। ओके, इस तरह आप यहाँ से डिफाइन नेम करके यहाँ पे सिंपल शॉर्टकट बना करके आप यहाँ पे यूज़ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर का यूज़ क्या होता है, अगर आपने जो यहाँ पे डिफाइन नेम किया है उसको आप एडिट करना चाहते हैं, कोई नया बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे जो भी आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे नेम मैनेजर पे। यहाँ पे देखिए जो हमने यूज़ किया है, यहाँ देखिए नेम मैनेजर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। ओके, अब देखिए यहाँ पे दो हमने यहाँ पे नेम डिफाइन किया था, एक पहला था हमारा रेट और सेकंड हमारा अमाउंट है। ओके, यहाँ पे अमाउंट देखिए शो हो रहा है और नेक्स्ट हमारा रेट है, इसमें वैल्यू कितनी है आपने देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। रिफर्स टू सीट यहाँ पे दिखा रहा है कौन से किस सीट, मतलब सेल से किस कहाँ तक सेल यह सिलेक्शन हुआ है। ओके, स्कोप देखिए होल वर्कबुक दिखा रहा है और कमेंट जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था वो कमेंट हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं इसमें कोई एडिट करना है, यहाँ पे हम कुछ एडिट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और जो भी यूज़ आप नेम चेंज करना चाहते हैं नेम भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, कमेंट चेंज करना चाहते हैं कमेंट भी चेंज हो जाएगा, तो आप यहाँ पे जाके इसको एडिट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए वापस हमें इसको डिलीट करना है तो हम यहाँ से जाकर इसको डिलीट कर देंगे। ओके, तो इस तरह आप यहाँ पे नेम मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये यहाँ पे देखिए फॉर्मूला इसका यूज़ होता है, कोई भी आप शॉर्टकट बना के उसको एज अ फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।